सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्यों बदला अपना ही फैसला? 12 दिन बाद कैसा फैसला बदल दिया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने विचारों में बेहद स्पष्ट माने जाते हैं। इन्हें लेकर कहा जाता है कि अपनी बात के पक्के रहते हैं और जल्दी अपनी बात या अपने फैसले से नहीं पलटते, लेकिन ये खुद अपने ही एक फैसले की वजह से चर्चाओं में हैं। दरअसल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने 1 मई को एक ऐसा फैसला किया था जिसे बाद में अब उन्होंने खुद वापस ले लिया है। 1 मई को उन्होंने डिफॉल्ट बेल्स को लेकर अदालतों को ये आदेश दिया था कि वे डिफॉल्ट बेल्स एप्लीकेशंस पर विचार ना करें, लेकिन अब उन्होंने खुद अपने उस फैसले पर विचार बदल लिए हैं, क्योंकि अब उन्होंने इस मुद्दे पर सभी कोर्ट्स को कहा है कि वे अपने फैसले स्वतंत्र तौर से ले सकते हैं। यानी अब डिफॉल्ट बेल्स के मामलों पर फैसला उन्होंने अदालतों के विवेक पर छोड़ दिया है। अब बात करते हैं कि आखिर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को ऐसा क्यों कहना पड़ा और 1 मई को किए गए फैसले से उन्हें क्यों पीछे हटना पड़ा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने रितु छाबड़िया वर्सेस केंद्र के एक मामले में सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया था कि अगर किसी मामले में कोई जांच एजेंसी अधूरी चार्जशीट दाखिल करती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित मामले का कोई आरोपी डिफॉल्ट बेल का हकदार समझ लिया जाएगा। इस तरह से उसे जमानत न दिए जाने का आधार कमजोर समझा जाएगा और उसे कोर्ट से जमानत मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस मामले में असल विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्र की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से ये कहा कि वे रितु छाबड़िया वर्सेस केंद्र के मामले में कोर्ट की डबल बेंच का फैसला स्थगित कर दें। एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसी मामले में लगभग 16 साल पहले डबल बेंच ने जो फैसला दिया था वो इसके उल्टा फैसला था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस बात को सुनकर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी रुक गए। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक किसी मामले में डबल बेंच के किसी फैसले को तभी पलटा या बदला जा सकता है जब उससे बड़ी बेंच उस फैसले को पलटे, लेकिन इस मामले में समस्या ये थी कि रितु छाबड़िया वर्सेस केंद्र के मामले में दोनों ही विपरीत फैसले डबल बेंचों की ओर से दिए गए थे। इसमें विरोधाभासी स्थिति बन गई थी। दरअसल 1 मई को ही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अदालतों को ये निर्देश दिया था कि रितु छाबड़िया केस को आधार बनाकर डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशंस पर विचार न किया जाए, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ के ऐसे निर्देश के बाद एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने उनसे निवेदन किया कि सीजीआई के 1 मई वाले निर्देश से उनके क्लाइंट्स के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनके ऐसे निर्देशों के कारण कोर्ट उनके क्लाइंट्स की डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशंस पर विचार ही नहीं कर रहे। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद अपने 1 मई वाले निर्देश को बदल दिया। उन्होंने अपने नए फैसले में कहा कि कोर्ट्स डिफॉल्ट बेल पर फैसला करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।